हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे एक बहुत सिंपल सा ड्राइंग जो बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, हम एक अंडर वाटर थीम कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल। आपको क्या करना है इसके लिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, आपको एक सी ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जब ये सी ड्रॉ हो गया आपका, तो आप क्या करोगे, बस इसको ऐसे ऐसे करके क्लोज कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे कर्व लाइन करके ये इसका फेस आ गया। ओके, फेस के बाद सर्कल, एक और सर्कल। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक छोटा सा सी ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम रैंडम ड्रॉइंग्स लाइंस बना देंगे। हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से ऐसे दो लाइंस लेने, कर्व लाइंस। अब इसको भी ऐसे ऐसे करके वेवी लाइंस बनानी है, इसको भी अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये छोटी सी स्माइल। अब हम एक और फिश बनाएंगे। ठीक है, ये बेबी फिश है, अब एक हम जो बनाएंगे वो बड़ी फिश होगी। अगेन इस बार हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा सी ड्रॉ करेंगे। हो गया, उसके बाद इसको भी ऐसे वेवी लाइंस करके वी विल क्लोज इट। अगेन ऐसे कर्व लाइन, स्मॉल सर्कल, अनदर स्मॉल सर्कल, स्माइल, यहाँ पे फिर से छोटा सी ना, इस सी को हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे फिर से टेल बन गया, कर्व लाइन, वेवी लाइंस, देन स्लीपिंग लाइंस। हो गया, इसके अंदर भी ऐसे करके लाइंस बन गया। अब अपन क्या करने वाले हैं, ये एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, और इसको फिर से ऐसे कर दिया क्लोज। ओके, अब कहीं कहीं पे जहाँ आपका मन है, ये दिखा आपको, जहाँ भी आपका मन है आप यहाँ पे छोटे सर्कल्स डाल दो। ओके, अब हमको इस फिश को कलर करना है। तो फिश को कलर करने के लिए हम एक फिश करेंगे येलो एंड ऑरेंज, एंड दूसरा हम लेंगे पिंक एंड पर्पल। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले हम ये फिश को कलर करते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑरेंज कलर से गिव आउटलाइन। ठीक है, उसके बाद आप येलो कलर लोगे और इसमें फिल कर दोगे। अब थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आईज में कलर नहीं डालना है, मेरे से चला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको अपन येलो लेंगे, ये पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट विल बी ऑरेंज। ठीक है,
अगेन येलो, ओके। अब क्या करेंगे, टेल साइड में आ गए तो फिर से ऑल्टरनेट ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, ठीक है। अब ये जो पार्ट बचा है इसमें हम क्या करेंगे, रेड कलर, ओके। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये जो हमने बबल्स जैसा हमने बनाया, इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, डार्क ब्लू कलर लेना है और बस थोड़ा सा कर्व, जो इतना, ठीक है। आप ये सोच लो कि आपको सिर्फ हाफ सर्कल में कलर करना है, ओके। हाफ सर्कल कलर हो गया हमारा। अब ये वाली फिश है, ये फिश को अपन क्या करने वाले हैं, व्हाट वी विल डू, वी विल यूज पिंक एंड पर्पल। तो ये पर्पल कलर, ये पर्पल कलर से हमने किया आउटलाइन, ठीक है। और सेंटर में हमने क्या किया, पिंक कलर से फिलिंग, ठीक है। अब सेम पैटर्न जैसे ऑरेंज एंड येलो किया था, ऐसे पिंक एंड पर्पल, क्या ध्यान रखना होता है कि आप जब कलर कर रहे हो ऐसा कुछ है तो स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, वाइट गैप्स छोड़ने नहीं है हमको। अब ये वाला एरिया आ गया, यहाँ पे पिंक, ठीक है। सेम पैटर्न हमने लिया पिंक पर्पल एंड ऑरेंज येलो, ओके। तो ये बेबी फिश कंप्लीट, ये बिग फिश कंप्लीट, ठीक है। अब पिंक एंड पर्पल लिया था हमने, इसके साथ इसके लिए हम येलो ले लेंगे, ओके। तो ये फिश पार्ट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो हमने साइड में ये ड्रॉ किए थे, ये
ग्रास, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, डार्क ग्रीन कलर से आउटलाइन करोगे, ओके। और उसके बाद लाइट ग्रीन कलर उसके अंदर फिल कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये हो जाएगा, हमारी फिश हो गई। मैंने आपको वाटर बबल्स बता दिया कैसे करना है, ठीक है। पूरा होने के बाद क्या करेंगे, हमको बेस कलर करना है, तो आप लोग हैं स्काई ब्लू कलर। आपके पास अगर छोटे क्रेयॉन्स होते हैं ना जो टूट जाते ऐसे, कुछ टूट, ये तो पूरा बड़ा है, कुछ छोटा पीस है अगर आपके पास तो आप उसको लोगे। और सबसे इजी तरीका होता है वाटर कलर करने का, आप अपने क्रेयॉन को फ्लैट रखो, उसको बस प्रेस करो, ठीक है। ये देखो बिल्कुल ऐसे शेडिंग के साथ आता है पूरा, जैसे वाटर आता है, ठीक है। ऐसे रखा आपने, ऐसे रखा तो बिल्कुल इसका लुक भी ऐसे आएगा कि जैसे आपने वाटर वेव्स डाले हुए। ठीक है, इस तरह से आपको इसको पूरा कंप्लीट कर देना, पूरा वाटर। इस तरह से आपका पूरा बैकग्राउंड कंप्लीट होगा। और आपका पूरा ड्राइंग ओवर हो जाएगा, ओके। तो अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, कंप्लीट कीजिए। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे, तो आप वहाँ पे पोस्ट कीजिए और अपना वर्क चेक कराइए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।